press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Global Advertiser for innovative outdoor solutions. सिद्धार्थ मल्होत्रा ने टॉयलेट के साथ कंपेयर किया तो उनको शायद पता ये ना हो कि हमारी भोजपुरी जो हैं ख्याति वो बढ़ती जा रही हैं और टॉयलेट हमारे घर में आज के 5 साल पहले हर घर घर में है, बचा कुचा है वो मोदी सरकार लगवा देगा। थैंक यू सो मच। आज आपकी फिल्म का पहला दिन है, इतने बड़े प्रोड्यूसर के साथ आप काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाह रहे हैं कि ये जो पिक्चर बन रहा है हमारे भोजपुरी के लिए बहुत अच्छा संदेश दे रहा है कि लोग दहेज में बहुत परेशान होते हैं गरीब लोग, तो हिसाब से ये फिल्म में कचहरी में ब्याह करने में फ़ायदा क्या होता है ये लोगों को पता चलेगा। दूसरी बात ये है कि इसमें अश्लीलता नहीं रहेगी और हम सभी प्रोड्यूसर और डायरेक्टरों से निवेदन करते हैं कि फिलहाल ये जो भोजपुरी में आप अश्लीलता दृश्य या गाने वगैरह चलाते हैं कृपया करके आप बंद कर दें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारी संस्कृति बदनाम होती जा रही है, लोग भोजपुरी पिक्चर देखने से भी मुकर रहे हैं। जी हाँ सर, तो हम ये चाहते हैं कि आप ऐसा ना करें, कृपया करके आप सोचते हैं कि चंद रुपयों के लिए हम कुछ भी दिखा देंगे और पब्लिक देखेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। आप जो फिल्में बनाते हैं उसमें से 20% ही लोग देखते हैं, 80% नहीं देखते हैं सिर्फ इज्जत की वजह से कि फैमिली के साथ और परिवार के साथ नहीं देखना चाहते। थैंक यू सो मच। आइए, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ब्रजेश जी को और प्रोड्यूसर साहब को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं चाहता हूँ कि पिक्चर बहुत अच्छी बने और चले, नए लोगों को लेकर बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मेरी तरफ से उनको बहुत सी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मूवी काफी सराही गई, तो कुछ आने वाले प्रोजेक्ट इसके अलावा? मेरी अभी आने वाली 3 पिक्चरें हैं, एक है 7 सहेलियां पार्ट 2, 15 अप्रैल से शूटिंग है, फिर एक किसारी के साथ है मेरी अग्निपथ, फिर दूसरी है पवन के साथ है एक मेरी दूध मांगो तो खीर देंगे, एक दिनेश जी के साथ है जो हम लोग 7 सितंबर में करेंगे। आप भी हमेशा नए लोगों को प्रोत्साहन देते हो और ये प्रोड्यूसर भी नए लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अच्छी बात है, नए लोग आना भी चाहिए क्योंकि भोजपुरी में नया कुछ होएगा तो अच्छा ही होएगा। आदित्य मोहन है, आप कैसे देखते हो स्टार सेलिब्रिटी? नहीं, अच्छा काम कर रहा है, मेरी पिक्चर वही इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में किया था, अच्छा काम किया। ओके सर, हाल ही में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने टॉयलेट के साथ कंपेयर किया, आपका क्या टेक है इस पर, आप मुझे बताना चाहेंगे? वो क्या है मालूम है, गंदी नाली के जो कीड़े रहते हैं भौंकते रहते हैं, उनका कोई मतलब नहीं, जैसे हाथी चलता है कुत्ता भौंकते रहता है। क्या भोजपुरी एक साथ मिलकर उनकी आने वाली फिल्म को ना प्रदर्शन किया जाए, इस तरह का उसका प्रोटेस्ट होगा? एनी प्रोटेस्ट? एक्चुअली बिहार में उसकी पिक्चर प्रदर्शन नहीं होने देना चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं, यूपी और बिहार में। क्या ये जो 3-4 भोजपुरी के पवन आना चाहिए, भोजपुरी के लिए अच्छा है क्योंकि आज तीनों सुपरस्टार हैं और सभी लोग करते हैं काम, तो इनको भी करना चाहिए क्योंकि जो हमारा भोजपुरी सिनेमा है तो बहुत ऊंचाइयों पर जाएगा अगर तीनों आएंगे। तो आप बनाएंगे वो फिल्म?
हाँ आप बनाएंगे फिल्म? ये लोग सब करेंगे तो बनाएंगे, इसके पहले मैं बनाए ही है। सर इसके बारे में तो आपको अभी हमको नहीं मालूम है, बाकी हम जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। कितनी ट्रेनिंग ली आपने फिल्म की, वर्कशॉप कितना किया, कोई स्क्रिप्ट सुनाया रहेगा सर ने? अभी तो सर हमारा पहले ही स्क्रिप्ट पे आया हूँ, पहले ही चीज़ ये कर रहा हूँ। ओके सर, आपको कब लगा कि इन्हें फिल्म में लेना चाहिए? मैं इनसे एक बार मिला तो हमारे फ्रेंड सर्कल में बातें होने लगी, मैंने नॉर्मली इनके तरफ ध्यान दिया तो मुझे कुछ चीज़ दिखा, तो मेरे करबिया कचहरी के कंसेप्ट में इनका किरदार मुझे नजर आया, बहुत अच्छा लगा। तो इस इनका एक किरदार इंजीनियर का है कि इंजीनियर हैं और शादी करते हैं अपने मनमानी से, नहीं अपने घर के मर्जी से शादी करते हैं, और शादी करने के बाद अपने पत्नी को बहुत दुख तड़ना देते हैं, मतलब काफ़ी अच्छा सीन है। सर आपको कब लगा कि मुझे फिल्म में काम करना चाहिए, और आपके कौन है रोल मॉडल फिल्मों में, आप किसको चूज करते हैं, पसंद करते हैं? सर हम तो पसंद सब भोजपुरी लाइन को, सबको अपने जैसे हो गए दिनेश भाई और खेसारी लाल यादव, ये सब अच्छे से एक्टर है और इनका सबको हम पसंद करते हैं सब लोग को। ओके सर, आपका क्या रोल है कुछ बताना चाहिए, आपका क्या रोल है? मेरा थर्ड हीरो का रोल है, और मुझे योगेश भाई मिले बताएं कि आपको थर्ड हीरो के लिए मैं चूज़ कर रहा हूँ, तो फिर मुझे भी बहुत अंदर से खुशी आई कि चलो मुझे पिक्चर में काम करने का मौका मिलेगा, सर, आप क्या और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ अभी। मैं सोहन तिवारी, और नहीं मैं इंस्पेक्टर का रोल करने वाला हूँ, और मेरे लिए हैप्पीनेस है क्योंकि मैं रियल लाइफ में भी इंस्पेक्टर बनना चाहता था, बट सम प्रॉब्लम्स आई एम नॉट डूइंग, और अभी मुझे यहाँ पे चांसेस मिल रहा है तो मैं अच्छा करूँगा। कितनी तैयारी की और कौन से इंस्पेक्टर को आप फॉलो करते हैं? मैं एक्चुअली बॉलीवुड के एक्टर अक्षय कुमार को फॉलो करता हूँ, और मुझे यहाँ पे भी पवन सिंह का ये एक्टिंग कुछ एक दो मूवीज आई थी जिसमें उन्होंने इंस्पेक्टर का रोल किया है, तो मुझे अच्छा लगा वहाँ पे, और मैं सिंपल थैंक यू। फिल्म का मुहूर्त है ये अपना करब ब्याह कचहरी का, और आज मुहूर्त क्या पूरी शूटिंग हो रही है, जैसे फिल्म की शुरुआत हो गई है और कई सीन्स बल्कि कर चुके हैं अभी हम लोग, 3-4 सीन कंप्लीट कर चुके हैं, और फिल्म जो है सो आज बहुत अच्छे मूड में, सारे आर्टिस्ट हमारे बड़े अच्छे से इन्वॉल्व हैं, कुछ नए लोग भी हैं, कुछ हमारे पुराने लोग भी हैं, और काम अच्छा हो रहा है, सबों का इन्वॉल्वमेंट देख के हमें खुशी होती है। यूजुअली जो है सो फिल्म में हमने यही देखा है कि मेरा प्रयास होता है कि मेरी फिल्म में सारे आर्टिस्ट इन्वॉल्व रहें, और खुशी हो रही है कि इसमें भी हमारे सारे आर्टिस्ट इन्वॉल्व हैं, सबों को अपना कैरेक्टर पता है, सबों का अपना बोलने का पेस पता है, गेस्चर पता है, बॉडी लैंग्वेज पता है, तो मेरा काम बड़ा आसान हो जाता है इस मामले में। ये हमारे साथ जो बाईं तरफ खड़ी हैं ये अंशु द्विवेदी हैं, ये टीपी अग्रवाल जी के यहाँ फिल्म इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा होल्डर हैं और प्रिंट मीडिया वगैरह में काम करती रही हैं और शॉर्ट फिल्में कुछ की हैं, ये नीलम हैं, ये भी कई फिल्में और एल्बम्स वगैरह की हैं और फिल्म के तौर पे इसमें काफ़ी इन्वॉल्व हैं, और हमारे आदित्य जी, इनको तो पता ही है कि हमारे मोहब्बत के सौगात में ये जो है सो पहली बार सोलो हीरो बन के आए थे भोजपुरी में, और खुशी है कि आज कई फिल्मों के हीरो हो गए हैं और सोलो हीरो हो गए हैं, तो दो मिनट है, बबली कैरेक्टर है और प्लस इसमें इमोशंस बहुत है, बहुत सारे वेरिएशंस है जो कि मुझे करने हैं और मैं अभी तक कर भी रही हूँ, और सुबह से लेकर अभी तक जितने भी सीन्स करे हैं सब में बहुत अच्छा लगा मुझे करने में, और जितने भी सारे लोग हैं जो मेरे पापा बने हैं, जो मेरे जीजू बने हैं, सबके साथ काम करने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, स्पेशली मेरी बहनों के साथ, जो सच में लग ही नहीं रहा मुझे कि ये मेरी बहनें नहीं हैं, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे काम करने में। बॉम्बे का तो है ही, और ख़ास करके हमें इसमें यूपी और बिहार को इन्वॉल्व करना पड़ेगा,
क्योंकि भोजपुरी फिल्म तब तक अच्छी नहीं बनती जब तक बिहार और यूपी का दर्शन ना हो, है ना। क्योंकि अभी फ्रांस गए बगैर हम फ्रेंच फिल्म बनावे तो कैसा लगेगा। हमारे इंडस्ट्री में ज़्यादातर लोग ऐसा ही कर रहे हैं कि फ्रांस गए बगैर फ्रेंच फिल्म बनाते हैं और यही कारण है कि मुँह की खाते हैं। सारे लोग लगभग 80% लोग हैं जो बिहार का दर्शन तक नहीं करते और पूरी भोजपुरी फिल्म यहीं बना डालते हैं, गुजरात में, पंजाब में, यहाँ तक कि राजस्थान में जाके बनाते हैं, उत्तराखंड में जाके बनाते हैं। तो ये उनकी होशियारी कहिए या मूर्खता कहिए, मैं तो कुछ कह नहीं सकता। आप बताएंगे हमारा किरदार ये है कि हमें जैसे बाबूजी की चमची बना डाला है, एकदम शरीफ रोल है। अच्छा, इंटरेस्टिंग मूवी है, देखिए, अच्छा है। मैं हर महादेव, थैंक यू सर, फिर से एक और शुरुआत करब या कचहरी में। सर भी जल्दी से सर की शादी करानी है कचहरी में, फिर से मोहब्बत के सौगात, इसके बाद फिर से विजयनी, अब ये करब या कचहरी में, इसके बाद काजल, उसके बाद बैडमैन बाबू। सर के साथ 4-5 फिल्में हैं अभी फ्लोर पे और काफ़ी मज़ा आ रहा है, काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है सर के साथ। और मतलब अब तो लग रहा है इंडस्ट्री में आदित्य मोहन ब्रजभूषण जी का खास ही हो गया सर। उसके बाद बेपरवाह, बेपरवाह में आप सर की जो फिल्म है हिंदी, उसमें मैं गेस्ट अपीयरेंस करता हुआ नजर आऊँगा आप लोगों को। तो मज़ा आता है सर के साथ काम करके, सीखने को मिलता है काफ़ी चीज़ें। वैसे तो रियल लाइफ में सीखता हूँ और रियल लाइफ में सीखने को मिलता है सर से, मज़ा आता है। तो ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशन। ग्लोबल एज अ कंपनी, it has never compromised on its service quality and commitment, and that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.